उम्र में खुद से 13 वर्ष छोटे 37 साल मिर्जा बिलाल बेग से तीसरी शादी करने वाली 50 साल रेहम खान ने माजी में इमरान खान से अपनी दूसरी शादी के फैसले को जिंदगी का गलत तरीन फैसला करार दिया था। दूसरी जानी इमरान ने भी डेली मेल के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने दीगर इंसानों की तरह जिंदगी में कई गलतियाँ की, लेकिन इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती रेहम खान से दूसरी शादी करना थी। बरतानवी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने दावा किया था कि उन्होंने बुशरा बीबी का चेहरा देखे बगैर उनसे तीसरी शादी का फैसला किया और उन्होंने कई मुलाकातों के बाद इन्हें शादी की पेशकश की थी। उन्होंने एतराफ किया कि उन्होंने बुशरा मानिका की एक पुरानी तस्वीर देख रखी थी, ताहम इनका चेहरा तब ही देखा था जब वो इनकी बीवी बन चुकी थी। इमरान खान के मुताबिक बुशरा मानिका का चेहरा देखने के बाद इन्हें मायूसी नहीं हुई। इमरान के मुताबिक शादी की पेशकश के बाद भी बुशरा ने रजामंदी के लिए वक्त मांगा और अपने खानदान से मशवरा करने के बाद ही उन्होंने इनसे शादी की। इमरान ने बताया कि इनकी तीसरी बीवी इतनी ज्यादा सोशल नहीं है, वो आम गैर महरम मर्दों के सामने पर्दे के बगैर नहीं आती। इमरान के मुताबिक बुशरा तसव्वुफ और सूफीज्म पर यकीन रखती हैं और वो इनकी इसी बात से ही मुतासिर हुए। इंटरव्यू में इमरान खान ने तस्लीम किया कि वो भी इंसान हैं और इनसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। इमरान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती रेहम खान से शादी को करार दिया। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगरचे वो रेहम खान के हवाले से इतनी ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते, ताहम इनसे शादी करना इनकी सबसे बड़ी गलती थी। बरतानवी अखबार ने अपनी इसी रिपोर्ट में रेहम खान की किताब का भी जिक्र किया और बताया कि उन्होंने इमरान पर संगीन इल्जाम आयद किए, लेकिन इमरान ने इल्जाम का जवाब नहीं दिया। याद रहे कि रेहम खान ने अपनी किताब में इमरान की पहली शादी की नाकामी पर भी बात की और इल्जाम आयद किया कि चूंकि जमायमा यहूदी थी, इस वजह से इन्हें पाकिस्तान में सख्त मुश्किलात पेश आ रही थी, इसलिए इनकी शादी कामयाब ना हो सकी। रेहम ने यह भी लिखा कि इमरान दरअसल जमायमा की छोटी बहन से शादी करना चाहते थे क्योंकि पहले उनकी इसी से दोस्ती थी, लेकिन फिर इन्हें जमायमा पसंद आ गई। रेहम ने मजीद दावा किया कि इमरान दरअसल जमायमा पर शक करते थे और एक रूहानी शख्सियत के मशवरे पर इन्हें तलाक दी थी। ताहम बरतानवी अखबार के मुताबिक जमायमा ने रेहम खान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया था। रेहम खान ने अपनी किताब में इमरान से एक मुलाकात का तस्करा करते हुए बताया कि शादी से पहले मेरी इमरान से दूसरी मुलाकात तब हुई जब उन्होंने मुझे शादी से पहले अपने घर बुलाया। चूंकि ये हमारी दूसरी मुलाकात थी, इसलिए मैं बहुत घबराई हुई थी और परेशान थी कि आखिर मुझे इमरान ने अपने घर क्यों बुलाया है। हमने खाना खाया, जिसके बाद इमरान ने मुझे जिनसी तौर पर हिरासा करने की कोशिश की। मैं डर गई और सोचने लग गई कि मैंने अकेले यहाँ आने की गलती क्यों की। फिर मैंने धक्का देकर इमरान खान को खुद से दूर किया और बताया कि तुमने मुझे गलत समझा है। जवाब में इमरान ने मुझे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम इस तरह की लड़की नहीं हो और इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इस पर मैंने कहा कि क्या आप पागल हो गए हैं, मैं आपको जानती तक नहीं और आप कह रहे हैं कि हम शादी कर लें। ताहम इस वाक्य के चंद माह बाद दोनों ने शादी कर ली, जो 10 माह चलने के बाद टूट गई। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।